स्वागत है आपका क्राइम रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। दहेज के लोभी पति ने उसी पत्नी को मार डाला जिसके साथ जीवन बिताने के लिए 7 कस्में खाए थे। लोगों को गुमराह करने के लिए पति पर चारित्रिक आरोप लगाकर डंडे से पीट पीट कर और गला दबाकर किया हत्या। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बोरतला के सेवक राम यादव का 4 वर्ष पूर्व मृतिका रामेश्वरी यादव से सामाजिक रीति रिवाज के साथ शादी हुआ था। तभी से पति सेवक राम यादव दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मृतिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा था। दहेज का लोभ जब सिर चढ़कर बोलने लगा तो पति ने लोगों के बीच पत्नी पर चरित्र शंका का आरोप लगाने लगा और आए दिन मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। बात इतना बढ़ गया कि एक रोज आरोपी पति ने जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी उसी पत्नी को डंडे से सिर में गंभीर रूप से वार कर और गला दबाकर हत्या कर दिया तथा साक्ष्य छुपाने के लिए मिट्टी तेल डालकर लाश को जलाने का प्रयास किया। पुलिस जांच के दौरान मृतिका के पिता सदन यादव ने पुलिस को दहेज प्रताड़ना के बारे में बताया। उसी दिशा में जांच के दौरान पूछताछ में आरोपी सेवक राम यादव पिता छेदू राम यादव ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरा मामला पुलिस को बताया। SDOP TR पटेल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 302, 304 बी, 301 IPC के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल कराया गया है तथा मामले की विस्तृत जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। एक नवविवाहिता है, 4 साल पहले उसकी शादी हुई, उसके जल के मरने की मर्ग की सूचना हम लोग को आई थी, जिससे हम लोग पूरे दल बल के साथ घटनास्थल पर रवाना हुए थे। और चूँकि नवविवाहिता का मामला था तो मैं तहसीलदार शालिनी तिवारी के द्वारा मर्ग पंचनामा किया, हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण किया तो प्रथम दृष्टि हम लोग ने देखा कि बॉडी पूरी तरह से 100% जल गई है और उसके सिर पर भी किसी घातक का हथियार से चोट पहुँचाने का निशान दिख रहा था और उसके गले पे भी कुछ निशान दिख रहा था और जीभ बाहर आ गई थी। तो हम लोग को ये प्रथम दृष्टया शक हो गया था कि ये मार का जलाने की स्थिति की गई है। तो हमने इसको मर्ग के साथ मर्डर का मामला दर्ज करके इसको विवेचना शुरू किया और बाद में बात ये सामने आई कि उसके पति के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। दहेज के नाम से वो लगातार प्रताड़ित भी करता था, जिसकी जानकारी मायके पक्ष वालों के द्वारा दी गई और इसी तारतम्य में हमने और पूछताछ की तो ये भी बात सामने आई कि वो अपनी पत्नी को वो गलत शंका भी करता था। तो इन सब कारणों से उसके पति पर हम लोग को शक हुआ और जिसे हमने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया, जिससे उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि दिनांक घटना को शाम 4 बजे करीब वो अपने पत्नी के साथ फिर उसी बात से दहेज के बाद से और जो चरित्र संख्या के नाम से विवाद हुआ, जिस पर से उसने सिर पर डंडे से घातक वार कर दिया और फिर चिल्लाने के संदेह को लेकर उसके गले को भी दबा दिया और उसे एक आत्महत्या के रूप देने के लिए मिट्टी तेल घर में जो था करीब 7-8 लीटर मिट्टी तेल उस बाड़ी में पूरा छिड़क के आग लगा के उसके आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। उसमें सर अपराधी के परिवार वाले में सम्मिलित भी कुछ अपराधी के परिवार वाले, असल में उसके माँ बाप दोनों शादी के कार्यक्रम में बाहर गए हुए थे और उसके 2.5-3 साल का बच्चा ही था और पति पत्नी इतने ही लोग थे, घर में कोई और कोई नहीं था। और घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी हैं, जो उसके चाचा हैं, उनका भी कहना था कि जब वो जल रही थी तो आरोपी द्वारा खुद ही उसके चाचा को भ्रमित करते हुए बताया गया कि मेरी पत्नी स्वयं आग लगा के जल रही है। तो वो भी घटना को देखे हैं जब जल रही थी, तो निश्चित रूप से एक आरोपी था और वही था। इस पर हम निष्कर्ष पहुँचे और उसका मेमोरेंडम भी कथन दिया गया है और आरोपी कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त था डंडा उसको भी जब्त कर लिया गया है और उसे धारा 302, 304 भी और 201 साक्ष्य छुपाने के भद्वी के अपराध से गिरफ्तार करके उसको आज रिमांड में दिया जा रहा है। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर का रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन टीवी। क्राइम रिपोर्ट को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। We'll be right back.